अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडमिक इन्फो। आज हम लोग कवर करेंगे समरी एक प्ले की, जिसका नाम है एडिपस रेक्स, जिसे एडिपस द किंग भी कहा जाता है, जिसके प्ले राइट हैं सफ़ोक्लीज। सफ़ोक्लीज का इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी। तो चलें समरी शुरू करते हैं। एज द प्ले ओपन्स, द सिटीजन्स ऑफ थीब्स बेग देयर किंग एडिपस टू लिफ्ट द प्लेग दैट थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द सिटी। Oedipus has already sent his brother-in-law Creon to the oracle to learn what to do. Thebes के citizens का Oedipus के पास आने से पहले ही वो अपने brother-in-law Creon को oracle के पास भेज देता है उसकी suggestion लेने के लिए कि अब हमें plague से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। Which shows that Oedipus is a really good king जिसको अपने लोगों की परवाह है। On his return, Creon announces that the oracle instructs them to find the murderer of Lais, the king who ruled Thebes before Oedipus. Creon वापस आके उसे बताता है कि ऑरेकल ने कहा है जो हमारा फॉर्मर किंग था उसका मर्डर हुआ था, जब तक हम उसके मर्डर को ढूंढ के उसको पनिश नहीं करेंगे तब तक प्लेग खत्म नहीं होगा। द डिस्कवरी एंड पनिशमेंट ऑफ द मर्डरर विल एंड द प्लेग। एडिपस फौरन ही रेडी हो जाता है कि हम उसके मर्डर को ढूंढेंगे और उसे पनिश करेंगे। एट वंस एडिपस सेट्स अबाउट टू सॉल्व द मर्डर। इसके बाद एडिपस एक ब्लाइंड प्रॉफेट टेरेसियस को बुलाता है, जिससे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि उसे एडिपस के क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। एडिपस समंड द ब्लाइंड प्रॉफेट टेरेसियस हु क्लेम्स टू नो द आंसर्स टू एडिपस क्वेश्चंस बट रिफ्यूजेस टू स्पीक, लैमेंटिंग हिज एबिलिटी टू सी द ट्रुथ व्हेन द ट्रुथ ब्रिंग्स नथिंग बट पेन। उसे एडिपस के क्वेश्चंस का आंसर्स तो पता होते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि इट विल ब्रिंग पेन टू यू। He advises Oedipus to abandon the search. Tiresias finally accuses Oedipus of killing Lais. वो उसे मशवरा देता है कि तुम इसकी तलाश छोड़ दो उस मर्डर की, क्योंकि इट विल ब्रिंग पेन टू यू। लेकिन जब Oedipus उसे इंसिस्ट करता है तो वो फाइनली बताता है कि तुम ही हो जिसने Lais का कत्ल किया था। Oedipus mocks and rejects the prophet angrily, ordering him to leave. Oedipus मॉक करता है ब्लाइंड टेरेसियस को उसकी ब्लाइंडनेस पे और उसे कह देता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। और एडिपस को ये सुनने के बाद बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो कंसिडर करता है कि शायद क्रियोन मेरे खिलाफ, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो कोई साजिश कर रहा है और ये ब्लाइंड प्रॉफिट भी उसी के साथ मिला हुआ है। एडिपस अटेम्प्ट्स टू गेन एडवाइस फ्रॉम जकेस्टा द क्वीन, शी इनकरेजेस हिम टू इग्नोर प्रोफेसीज। वो जो कैस्टा के पास जाता है उससे एडवाइस लेने के लिए, लेकिन जो कैस्टा उसकी वाइफ उसे कहती है कि प्रोफेसीज पे बिलीव मत करो, एक्सप्लेनिंग दैट अ प्रॉफिट वंस टोल्ड हर दैट लेस हर हस्बैंड वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ देयर सन। जो कैस्टा एडिपस को बताती है कि एक बार एक प्रॉफिट ने उसे और उसके एक्स हस्बैंड लेस, जिसका मर्डर हो गया था, उसे बताया था कि उन्हीं का बेटा ही लेस का मर्डर करेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। According to Jocasta, the prophecy did not come true because the baby died abundant. Jocasta के according वो prophecy सच नहीं हुई थी क्योंकि उनके baby की death हो गई थी और उसके husband Lais का कत्ल robbers ने किया था एक जगह पे जहाँ पे तीन roads आपस में मिलते हैं। जैसे ही एडिपस ये सुनता है, वो मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है जकेस्टा से कि उसका हस्बैंड कैसा दिखता था, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। फिजिकल अपीयरेंस पूछने के बाद वो जकेस्टा से पूछता है कि जब लेस का मर्डर हुआ था तो क्या वो अकेला था या उसके साथ और भी आदमी मौजूद थे। तो जकेस्टा उसे बताती है कि टोटल 5 लोग थे, जिसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइवर है जो कि एक शेपर्ड है, वो ही बच गया था इस इंसिडेंट के बाद। Oedipus becomes distressed by Jocasta's remarks because just before he came to Thebes, he killed a man who resembles Lais at the crossroads. वो इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसने भी एक मर्डर किया था थीब्स में आने से पहले, जब वो थीब्स के रास्ते में था उसी दौरान उसने भी एक आदमी का मर्डर किया था जिसकी फिजिकल अपीयरेंस लेस से मिलती है। To learn the truth, Oedipus sends for the only living witness to the murder, a shepherd. वो उसे जैसे ही ये सब बातें पता चलती हैं एडिपस को, वो फौरन ही जो लिविंग विटनेस था, ओनली लिविंग विटनेस विच इज अ शेपर्ड, उसे फौरन ही बुलवा लेता है। अनदर वरी हॉन्ट्स एडिपस। उसे साथ ही साथ एक और परेशानी होती है, वो ये कि उसने भी किसी ओरेकल से सुना था कि वो अपने ही बाप का कत्ल करेगा और अपनी ही माँ से शादी करेगा।
As a young man, he learned from an oracle that he was fated to kill his father and marry his mother. Fear of prophecy drove him from his home in Corinth and brought him ultimately to Thebes. इसी प्रोफेसी के डर की वजह से वो अपना घर छोड़ता है कॉरिंथ से और वो थीब्स की तरफ आ जाता है, और थीब्स के रास्ते में ही वो एक आदमी का मर्डर करता है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस लईस से मिलती जुलती होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है। जो कैस्टा उसे अभी भी यही एडवाइस करती है कि प्रोफेसीज के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जो कैस्टा एडवाइसेस हिम नॉट टू वरी अबाउट प्रोफेसीज। इसी दौरान कॉरिंथ से एक मैसेंजर आता है। Oedipus finds out from a messenger that Polybus, king of Corinth, Oedipus' father, has died of old age. वो मैसेंजर Oedipus को बताता है कि जो king of Corinth है, जो कि Oedipus का बाप है, उसकी डेथ हो गई है ओल्ड एज की वजह से। जो कैस्टा rejoices, surely this is a proof that the prophecy Oedipus heard is worthless. जो कैस्टा ये सुनकर खुश हो जाती है कि वो prophecy जो Oedipus ने सुनी थी अपने बारे में वो सच नहीं हुई। Still, Oedipus worries about fulfilling the prophecy with his mother, Merope, a concern Jocasta dismisses. अभी भी Oedipus को एक परेशानी होती है कि बाप का तो मर्डर उसने नहीं किया, लेकिन अभी भी ये खतरा बाकी है कि वो कहीं अपनी ही माँ से शादी ना कर ले। ये सुनने के बाद मैसेंजर उसे एक न्यूज़ देता है जो वो समझता है कि Oedipus की परेशानी को दूर कर देगी। वो ये कि Polybus एंड Merope आर नॉट Oedipus रियल पेरेंट्स। In fact, the messenger himself gave Oedipus to the royal couple. जो messenger होता है Oedipus को उसी ने उस royal couple को दिया होता है। When a shepherd offered him an abundant baby from the house of Lais. House of Lais का एक abundant baby जो कि shepherd के पास होता है वो messenger को देता है, और messenger वो baby उस royal couple को दे देता है जो कि Oedipus के parents होते हैं। Oedipus becomes determined to track down the shepherd and learn the truth of his birth. Oedipus ये सुनने के बाद मजीद पुख्ता इरादा कर लेता है कि वो shepherd को बुलाएगा और अपनी birth के बारे में question करेगा। Suddenly terrified, Jocasta begs him to stop and then runs off to the palace wild with grief. ये सुनने के बाद Jocasta palace की तरफ भाग जाती है और Oedipus shepherd का wait करने लगता है। जब shepherd आता है और वो उससे questioning करता है तो shepherd पहले तो बताने से मना कर देता है, but under the threat of death he tells what he knows. Which is Oedipus is actually the son of Lais and Jocasta. Finally, वो उसे बता देता है कि वही है Lais और Jocasta का असली बेटा। And so, despite his precautions, the prophecy that Oedipus dreaded has actually come true. और Oedipus की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जिस प्रोफेसी के फुलफिल होने का उसे डर होता है वो हो चुकी होती है। इसी वजह से वो कॉरिंथ से थीव्स आता है कि कहीं वो अपने बाप का मर्डर ना कर दे और अपनी माँ से शादी ना कर ले, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो चुका होता है। Realizing that he has killed his father and married his mother, Oedipus is agonized by his fate. Rushing into the palace, Oedipus finds that the queen has killed herself. Jocasta had committed suicide. Oedipus takes the pin from her gown and rakes out his eyes so that he can no longer look upon the misery he has caused. Now blinded and disgraced, Oedipus begs Creon to kill him. वो अपने brother-in-law से कहता है कि उसे मार दिया जाए। But as the play concludes, he quietly submits to Creon's leadership and humbly awaits the oracle that will determine whether he will stay in Thebes or be cast out forever. And the play ends as the chorus wails. Count no man happy till he dies, free of pain at last.